हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ओडिशा हाई कोर्ट ने कंट्री में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था एक एनुअल रिपोर्ट जो कि बताता था परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशियरी के बारे में, स्टेट जुडिशियरी के बारे में। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मींस यही है कि जो जजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसीजन के लिए, जो भी उन्होंने डिलीवर किया है, जो भी उन्होंने डिसीजन दिया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहां हमें चेक एंड बैलेंस देखने को मिलता है हर एक ऑर्गन में, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है इनके बीच में। आर्टिकल 235 क्या बोलता है? जो हाई कोर्ट है उसका कंट्रोल रहता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो ये भी हमें देखने को मिलता है एक इफेक्टिव मैकेनिज्म इन्फोर्स करने के लिए अकाउंटेबिलिटी को। इश्यूज क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के साथ? तो फर्स्ट देखिए तो कोलेजियम सिस्टम, जहां पे जो जजेस हैं वही जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो इसमें जो पावर है वो हमें जजेस के हैंड्स में ही देखने को मिलती है, और ये चीज वॉयलेट करती है प्रिंसिपल जो है चेक एंड बैलेंस का उसको। दूसरा इसका पॉइंट देखें तो जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि जो कोर्ट्स हैं वो क्या करती है, इन्फोर्स करती है राइट्स ऑफ पीपल को, और इसमें भी वॉयलेट होता है जो प्रिंसिपल है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। वो पेंडेंसी भी देखने को मिल रही है, थर्ड पॉइंट इसका, कि जो पेंडेंसी एज ऑफ सेप्टेम्बर 2021 ओवर 4.5 करोड़ केसेज वर पेंडिंग अक्रॉस ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। पेंडेंसी हैज लीड टू इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन जजेस एंड जुडिशियल सिस्टम। तो यही पेंडेंसी को देखते हुए जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और जो भी ट्रांसपेरेंसी है ना इनके फंक्शन में, जुडिशियरी के फंक्शन में, ये हमें नहीं देखने को मिलती, मतलब बिल्कुल वेग है। जैसे कि एलोकेशन ऑफ जो केसेस का होता है, एलोकेशन ऑफ केसेस, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, इसमें ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब नीड क्यों है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की? टू इंश्योर फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। हम इंश्योर कर पाएं जो भी फेथ और ट्रस्ट है सिटीजन का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, इसके लिए हमें जरूरत है कि हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लाएं, रिड्यूस कर पाएं जो पेंडेंसी है केसेस की, और इम्प्रूव कर पाएं जो भी एफिशिएंसी और एफिशिएंट कर पाएं और ट्रांसपेरेंसी ला पाएं ये जो जजमेंट्स हैं उसमें। लैक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म अभी तक नहीं लाया गया है, उसकी कमी देखने को मिल रही है, जो कि इन्फोर्स कर पाए अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, हमें अभी मैंने एक आर्टिकल बताया 235, जिसमें जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट को कौन कंट्रोल करता है? तो इसके लिए हमें एक बॉडी बनाने की जरूरत है, ठीक है? तो इसीलिए हमें नीड है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। अब देखिए कि क्या क्या स्टेप्स अब तक लिए गए हैं, स्टेप्स टेकन टू प्रमोट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016। तो इसमें क्या था ना, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बात चल रही थी कि डिस्कशन हो रहा था ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है उसमें, और एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट सेट करने की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे क्या था कि मेंटेन करने की बात हो रही थी जो जुडिशियल हाई कोर्ट के जजेस हैं ना उनकी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना था। ये कौन करेगा? जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सेट किया गया था इसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 के अंडर में, वो ये सब रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके। फिर इसका सेकंड पॉइंट देखें तो जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2020, ये 2020 में बिल लाया गया था, जिसमें था कि जो जजेस हैं वो डिक्लेयर करेंगे एसेट्स, लेज डाउन जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड एस्टैब्लिश प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके अंडर में ये था। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात की गई थी, टू डिजिटाइज द लीगल प्रोसेस एंड मॉनिटर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ केस। लिम्स क्या है? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग केसेस। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन था मॉनिटर करने के लिए जो भी केसेस थे, जो भी इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो ये सारी चीजें अभी तक लाई गई थी प्रमोट करने के लिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को। कंक्लूजन इसका यही होगा कि अ मोर फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस शुड बी पुट इन प्लेस विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ऑल्सो एनुअल रिपोर्ट्स ऑन फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी शुड बी पब्लिश्ड टू फोस्टर अकाउंटेबिलिटी एज रिसेंटली डन बाई ओडिशा हाईकोर्ट। तो जैसे अभी ओडिशा हाईकोर्ट ने एक पब्लिश किया है रिपोर्ट, तो इस तरीके से ना सारे हाईकोर्ट्स को पब्लिश करना